स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एंट्री पर, मैं आपके साथ सुन रहा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कांग्रेस ने दमोह उपचुनाव में बाहरी नेताओं के एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। 2 मई को दमोह उपचुनाव का नतीजा आएगा। कोरोना संक्रमण के इस दौर में चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में पार्टी चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखेगी। पार्टी का कहना है कि दमोह उपचुनाव लोकल नेताओं के भरोसे छोड़ देना चाहिए। दरअसल दमोह सीट पर 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में बाहरी नेताओं के एंट्री पर रोक लगाने की मांग उठी है। ये मांग कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने की है। उन्होंने कहा, कोरोना का संक्रमण पूरे प्रदेश में तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे में वह चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग करेंगे कि दमोह में बाहरी नेताओं की एंट्री बंद होना चाहिए। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल को चुनाव प्रचार थमने तक बाहरी नेताओं के उपचुनाव में प्रचार करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये सभी सियासी दलों और उनके नेताओं के लिए आयोग अनिवार्य करे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच दमोह सीट का उपचुनाव आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ साबित हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा है वहां से दमोह जाने वाले नेताओं की एंट्री पर रोक लगे। तो ये थी सब की अपडेट। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर।